नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। भारतीय दंत चिकित्सक संघ रीवा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों के दांतों की जांच की। तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रीवा के डेंटल सर्जनों ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक कैंप लगाया। कैंप में पुलिस कर्मियों के दांतों की जाँच की गई, उचित समझाइश दी गई, क्योंकि आज तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसके चलते डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों को तंबाकू और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया, तंबाकू छोड़ने की अपील की। सबका मानना था देश दुनिया की रक्षा करने वाला ही जब ऐसी चीज़ों का सेवन करेगा जिससे वह मौत के मुंह तक पहुंच सकता है तो दूसरों को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए तंबाकू का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। शिविर में प्रमुख रूप से रीवा शहर के तमाम दंत चिकित्सकों सहित SP रीवा भी मौजूद रहे। देखिए, वर्ल्ड टोबैको डे है, मतलब कि विश्व तंबाकू दिवस, मतलब नो टोबैको डे है बेसिकली। और इसमें पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि तंबाकू और उससे रिलेटेड जो सामग्री है उनका सेवन ना किया जाए। और इस तरह से पूरे विश्व को इस तंबाकू की बुरी आदत से बचाया जाए। इसी क्रम में आज पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि सभी ज़िलों में सभी SPs एक कार्यशाला का आयोजन करें, अपने अपने स्तर पे अलग अलग ढंग से किस तरह से तंबाकू मुक्ति के बारे में हम लोगों को सिखा सकते हैं। तो आज यहाँ पे एक हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें यहाँ का जो डेंटल एसोसिएशन है रीवा का, उनके 6 डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, और जो हमारे पुलिस में सारे हमारे कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, कॉन्स्टेबल से लेके SDOP GSP लेवल तक। और उनको डॉक्टर्स ने बात बताई कि किस तरह से तंबाकू सेवन से किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं दांत में, टंग्स में, इनर माउथ में, मतलब किस तरह से उसमें कैंसर हो सकता है और भी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, और कुछ और चीज़ें भी जो चिकित्सकीय रूप से इम्पोर्टेंट होती है उसको साझा किया गया। तो ये एक उद्देश्य है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे पुलिस में कर्मचारी हैं वो लोग जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो छोड़ें उसका सेवन, ये भी प्रेरणा देने का एक उद्देश्य है। साथ में जो लोग जिन्होंने तंबाकू सेवन करते रहे हैं उनके दांतों की यहाँ पे चेकिंग भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज की है, ताकि अगर उनके किस तरह से उनके दांतों में, मसूड़ों में प्रॉब्लम्स यदि कोई हो रही हैं तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करें, और भी जो नए पीढ़ी में जो नए हमारे आरक्षक हैं जो भर्ती हुए हैं वो लोग भी इस बात को समझें कि आगे आने वाले करियर में उनको इस तरह के तंबाकू सेवन नहीं करना है, और इसी सब पूरी बात को लोगों में प्रचार प्रसार भी करना है।